हाय एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश डोज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आखिर क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? जैसे मैं जाऊँगा, मैं खेलूंगा, वह सोएगी, हम नाचेंगे, यानी कि किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर गा गे गी का साउंड आता है तो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नाउ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान मैंने आपको बताया गा गे गी होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका रूल क्या होता है। तो दोस्तों, तीन रूल हैं। सबसे पहले होता है अफर्मेटिव रूल, यानी कि सकारात्मक। सकारात्मक जो वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं जिसमें कोई नो का यूज नहीं होता, यानी कि नहीं का यूज नहीं होता। इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे विल, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। ये है हमारा फर्स्ट रूल अफर्मेटिव का। एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे रोहन आज बाजार जाएगा, तो इंग्लिश होगी रोहन, क्योंकि रोहन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो हम लगाएंगे पहले रोहन, विल, रोहन विल गो टू द मार्केट टुडे, रोहन विल गो टू द मार्केट टुडे, यानी पे आज की इंग्लिश हम सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे टुडे, तो रोहन विल गो टू द मार्केट टुडे, ये सेंटेंस हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगर इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, यानी कि इसका नकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें नॉट यानी कि नहीं का यूज करना होता है। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस फुल स्टॉप, राइट? ओके, टेक एन एग्जाम्पल, सीता खाना नहीं बनाएगी। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, गा गे गी, तो सीता खाना नहीं बनाएगी, सीता विल नॉट कुक फूड, सीता विल नॉट कुक फूड। अब हम बात करते हैं यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिफोर यू और हु इज टॉकिंग टू यू। इसमें हम सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं। मैं हिंदी में बता देता हूँ, इसका जो रूल होता है वो होता है विल, विल बी द आउट ऑफ द सेंटेंस, विल को हम सेंटेंस के बिल्कुल फ्रंट में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का यूज किया जा रहा है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क शुड बी देयर बिकॉज ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क शुड बी देयर इन द आउट ऑफ द सेंटेंस, राइट? तो अब यहाँ पर इसका रूल मैंने आपको बता दिया, अब इसका सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या तुम मेरी वीडियो देखोगे, क्या तुम मेरी वीडियो देखोगे, तो इंग्लिश होगी विल यू वॉच माई वीडियो, विल यू वॉच माई वीडियो। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, क्या आप रोहन की हेल्प करोगे, क्या आप रोहन की हेल्प करोगे, तो इंग्लिश बनेगी विल यू हेल्प रोहन, वेरी सिंपल, राइट? तो ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से आप इस विल का यूज कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस आपका रेडी है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ वीडियो एंड करने से पहले, कि कुछ लोग शैल को लेकर भी बहुत ज्यादा भ्रमित रहते हैं। विल और शैल का क्या यूज होता है? शैल का जनरली यूज होता है आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ हम यूज करते हैं विल का। लेकिन आजकल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एडवांस्ड इंग्लिश आ गई है इसके अंदर लोग शैल का यूज करना बंद कर चुके हैं। सो बेटर फॉर यू टू यूज विल इन योर कम्युनिकेशन और इन योर कॉन्वर्सेशन टू द पीपल, राइट? विल का यूज ज्यादा करें। शैल का यूज कैसे करेंगे, आगामी वीडियो के अंदर मैं आपको शैल का भी यूज बताऊंगा कि शैल का यूज कौन सी कॉन्फिडेंशियल लेटर्स के अंदर या सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ज्यादातर शैल का यूज देखने को मिलता है। इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जो बहुत डेप्थ वीडियो होगी, जिसके अंदर विल और शैल के बारे में मैं क्लियर आपको बता दूंगा, यानी कि मॉडल वर्ब्स के अंदर विल और शैल को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, राइट? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपके सामने है, इसे आप कर चुके हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप इस सेंटेंस को जरूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो अब मैं आपको एक सेंटेंस देना चाहता हूं, इस सेंटेंस को आप देखिए और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, और प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को इस सेंटेंस की इंग्लिश जरूर बताइएगा, राइट? सेंटेंस है, क्या तुम मुझे परेशान करोगे, क्या तुम मुझे परेशान करोगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना। मुझे मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।